साथियों, हम जब भी एक नई कार्य संस्कृति को बढ़ाने का प्रयास करते हैं तो इसके लिए तीन चीजें जरूरी होती हैं, सानिध्य, सोच और संसाधन। खेलों से हमारा सानिध्य सदियों पुराना रहा है, लेकिन खेल की संस्कृति पैदा करने के लिए खेलों से हमारे पुराने संबंध से ही काम नहीं चलेगा। हमें इसके लिए एक नई सोच भी चाहिए। देश में खेलों के लिए जरूरी है कि हमारे युवाओं में खेलों को लेकर विश्वास पैदा हो, खेल को अपना प्रोफेशन बनाने का हौसला बढ़े। और यही मेरा संकल्प भी है और ये मेरा सपना भी है। मैं चाहता हूं कि जिस तरह दूसरे प्रोफेशंस वैसे ही हमारे युवा स्पोर्ट्स को भी देखें। हमें ये भी समझना होगा कि जो कोई स्पोर्ट्स में जाएगा वो वर्ल्ड नंबर वन बनेगा ये जरूरी नहीं है। अरे, देश में जब स्पोर्ट्स इकोसिस्टम तैयार होता है तो स्पोर्ट्स मैनेजमेंट से लेकर स्पोर्ट्स राइटिंग और स्पोर्ट्स साइकोलॉजी तक स्पोर्ट्स से जुड़ी कितनी ही संभावनाएं खड़ी हो जाती है। धीरे धीरे समाज में ये विश्वास पैदा होता है कि युवाओं को स्पोर्ट्स की तरफ जाना एक सही निर्णय है। इस तरह का इकोसिस्टम तैयार करने के लिए जरूरत होती है संसाधनों की। जब हम जरूरी संसाधन, जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित कर लेते हैं तो खेल की संस्कृति मजबूत होने लगती है। अगर खेलों के लिए जरूरी संसाधन होंगे तो देश में खेलों की संस्कृति भी आकार लेगी, विस्तार लेगी। इसलिए आज इस तरह की स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटीज इतनी ही जरूरी है। ये स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटीज खेल की संस्कृति के पुष्पित पल्लवित होने के लिए एक नर्सरी की तरह काम करती है। इसलिए ही आजादी के 7 दशक बाद 2018 में पहली नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी हमारी सरकार ने मणिपुर में स्थापित की। बीते 7 सालों में देश भर में स्पोर्ट्स एजुकेशन और स्किल्स से जुड़े अनेकों संस्थानों का उनको आधुनिक बनाया गया और अब आज मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स में हायर एजुकेशन का एक और श्रेष्ठ संस्थान देश को मिला है।